हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक सम चैनल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पापलेट करी मैंगलोर स्टाइल में कैसे बनाते हैं, इसे बता रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमें पहले ग्राइंड करके लेना है कोरिएंडर, अजवाइन, काल मिरी, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची, लहसुन, इमली और मेथी। इन सारी चीज़ों को मैंने फ्राई करके लिया हुआ है और इसको अभी हम पेस्ट बना देंगे। इसका पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी मैं और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना के लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं पेस्ट के लिए रेडी कर रही हूँ। अब मैंने इसे पीस के रख दिया है। इसे अभी हम कढ़ाई में डाल देना है इस पेस्ट को। पहले आप चाहिए तो फ्राई भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। और इसमें पानी डाल देना है, आपको जितना पानी चाहिए, ग्रेवी थिक या थिन चाहिए तो उसी हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। और इस टाइम पे हमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट फिश में भी मैंने थोड़ा सा डाल के रख दिया था तो इसमें भी डाल रही हूँ। और इसमें ऐड करना है ऑनियन। अब मैं ऑनियन ऐड करके अच्छे से मिला रही हूँ। अब इसे उबाल आने देना है। इसे अब ढक के 5 से 10 मिनट तक एक उबाल आने देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा करी में उबाल आ रहा है। उबाल आने के बाद हम इसमें फिश ऐड करना है। पहले से अच्छे से पकने देना है। इसके बाद ही यहाँ पे मैंने पापलेट को कट करके रख दिया तो इसे ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसमें फिश डाल के फिश को पकने देना है। फिश डाल दिया है, अब देख सकते हो उबाल भी आ रहा है। इसे मैं ढक के पक दूँगी 5 से 10 मिनट तक, जब तक फिश अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता। यहाँ पे आप देख सकते हो फिश करी रेडी है। जब उसे अच्छे से बॉईल करने के बाद यहाँ पे मैंने सर्व भी किया है। रेडी है एकदम फिश करी और बहुत ही टेस्टी बना है। मैंगलोर स्टाइल में बना हुआ है। प्लीज़ इसे बनाना ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।